नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें को हमने सीखा है हीलिंग साइंस को लेकर के, लेकिन आज कुछ अलग विषय है। आज गणपति जी आ चुके हैं, गणेश चतुर्थी का समय है और इस गणेश चतुर्थी आपको एक ऐसा एंजल नंबर, या ये कहें इसे एंजल नंबर ना कह के न्यूमरोलॉजिकल एक ऐसा नंबर है जिसे हम पूरे साल के लिए लिखते हैं। अगर इस एंजल नंबर को, जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, आपने इस गणेश चतुर्थी से लिखना शुरू किया और पूरा एक साल अगर लिख लिया, पूरा एक साल इसका प्रयोग कर लिया, तो ये एंजल नंबर ज़िंदगी भर के लिए सिद्ध हो जाएगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। 365 दिन का कोर्स, पहली बार ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 300 पे हर एंजल नंबर आज लिखते ही अपना काम शुरू करते हैं, पर ये एंजल नंबर आज से काम नहीं शुरू करेगा। आज जब लिखना शुरू करेंगे, पूरा एक साल जब आप इसका प्रयोग करेंगे, तब जा कर के ये सिद्ध होगा और ये सिद्ध होने के बाद ही आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा, और ऐसा रिजल्ट देगा कि अगले एक साल तक ये आपके लिए रहेगा। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, कोई हीलर नहीं है, तो सिर्फ इस नंबर का इस्तेमाल करें। अगर आप एक हीलर हैं तो इस गणेश चतुर्थी अपने सारे सिंबल्स को, अगर आप हीलिंग करना छोड़ दिए हैं, हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस गणेश चतुर्थी में, क्योंकि इस समय एक ऐसी वाइब्रेशन फैली होती है वातावरण में, भक्ति की वाइब्रेशन होती है, हर किसी का मन ये मान रहा होता है कि विघ्नहर्ता आ गए हैं, विघ्नहर्ता आ गए हैं, विघ्नहर्ता आ गए हैं। तो जब विघ्नहर्ता आ जाते हैं, तो क्योंकि विघ्नहर्ता की वाइब्रेशन है यहाँ आसपास, तो विघ्नहर्ता अपने आप में एक स्विच वर्ड की तरह काम करता है और सच में गणेश जी विघ्न हर के चले जाते हैं लोगों के। तो आपको इस समय, क्योंकि आप एक हीलर हैं, तो अगर आप हीलर हैं तो अपने सारे सिंबल्स को विघ्नहर्ता के साथ आपको हील करना चाहिए। सारे सिंबल्स को या तो हवे में बना लीजिए, या तो एक पेपर में बना लीजिए और उसके नीचे लिखिए विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता एक स्विच वर्ड की तरह उसे लिखिए। सारे सिंबल्स को एक पेपर में बनाइए, हवे में बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए एक पेपर में बनाइए और नीचे लिखिए विघ्नहर्ता। और स्पेशली जो हमारे करुणा रेखा में एक सिंबल होता है गणेशा, गणेशा सिंबल को ज़रूर इस गणेश चतुर्थी सिद्ध करना, क्योंकि ये गणेशा सिंबल का ही समय है। इस समय जिसने इस सिंबल को सिद्ध किया, इसको हीलिंग प्रैक्टिस की उसके साथ, तो मान के चलो वो पूरे साल उनके काम आने वाला है। अब सिद्ध कैसे करते हैं सिंबल्स को, समझिए, एंजल नंबर बताऊंगा आखिर में। सिंबल्स को कैसे सिद्ध करते हैं, गणेशा सिंबल को कैसे सिद्ध करना है, आपको गणेशा सिंबल अपने हाथों में बनाना है और अपने सामने श्री गणेश भगवान जी को, गणपति बप्पा को इमेजिन करके ये गणेशा सिंबल इस तरह से भेजना है। जब आप उन्हें ये सिंबल भेजेंगे, जब ये सिंबल उनके पास जाएगा, तो इस सिंबल की ऊर्जा उन तक जा करके कई गुना होकर के आप तक आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी सिखाया है कि चंद्रमा को, सूर्य को, अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को अपने सिंबल्स की ऊर्जा भेजनी चाहिए, जिससे उस ऊर्जा उस सिंबल्स की और बढ़ती है। तो ऐसे ही गणेशा सिंबल को आपको भेजना है, बिल्कुल वैसे ही विघ्नहर्ता लिख करके अपने सिंबल्स को, विघ्नहर्ता लिख करके अपने हीलिंग एनर्जी से अपने सिंबल्स को चार्ज करना है। पेपर में बनाया, विघ्नहर्ता लिखा और चार्ज किया, ये दो तरीका हो गया। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका कौन सा, एंजल नंबर, जो पूरे साल आपको लिखना है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो एंजल नंबर सुनिए और ध्यान से इसे महसूस कीजिए। 3838 जी, जी फॉर गणेश, 3838 जी, 39396। ये जो एंजल नंबर है, ये पूरे साल आपको लिखना होगा अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। उसके लिखने से आपको सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी विघ्नहर्ता की, लेकिन एक साल में ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। पूरे अगले एक साल के लिए आपके लिए ये रामबाण की तरह रहेगा, रामबाण की तरह। इससे अपने सेहत के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए आप इस एंजल नंबर का इस्तेमाल कर पाएं। इस तरह का जादुई अवसर हमेशा नहीं मिलता,
साल में कभी एक बार या कई सालों में एक बार मिलता है, तो इसे ज़रूर अप्लाई करना। हीलर्स अपने सिंबल्स को ज़रूर चार्ज करना, और जिनके पास गणेशा सिंबल है उस सिंबल्स को इस समय सिद्ध ज़रूर करना। इन सबसे आप अपने इस गणेश चतुर्थी को पूरी तरह से लाभ उठा और एक महान हीलर बन पाएंगे, अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर पाएंगे। बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, तो सद्बुद्धि आप सबको मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।